सो हेलो एवरीवन, स्वागत आपका अभिमन्यु आयस पर और एक और माइक्रो लेक्चर लेके मैं सनी भोंसले प्रस्तुत हूँ आपके सामने। तो स्टूडेंट, जैसे हमारे माइक्रो कोर्सेज हैं, छोटे कोर्सेज बट बड़े रिजल्ट, वैसे ही ये माइक्रो लेक्चर्स हैं कि हर एक लेक्चर में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एक से दो जो ऐसे भी अंडर अगर इंटरलिंक्ड हो पाते तो, अदरवाइज एक क्वेश्चन तो मिनिमम होगा और आपके पास उससे जुड़ा कॉन्सेप्ट। देखो आज का कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक है क्योंकि इसके ऑप्शंस देखे ना बच्चे डर गए कि भाई ये क्या आ गया, बट इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन था सीसेट 2017 का। चलिए पहले जल्दी से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट, सपोज करो मेरे को क्या दिया कि किसी का भी पॉपुलेशन लगा लो, प्राइस लगा लो, दो बार 10% का डिक्रीमेंट आया लगातार, 10% का डिक्रीमेंट आता है, तो आपको ये बताना है फाइनल मेरे पास क्या होगा, ठीक है। कि अगर मैंने बोला दो साल लगातार किसी गांव की पॉपुलेशन 10% डिक्रीज होगी लगातार कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, ठीक है, रेगुलरली सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर, यानी मैं बात करूंगा सिंगल प्रोडक्ट की, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो, चाहे वो बात हो पॉपुलेशन की, परसेंटेज में क्वेश्चन करते हैं, बोथ आर सेम थिंग। जब तक आप सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, अगर चेंज हो गया कि एक पे 10%, एक पे 10% अलग, फिर वो अलग चीज है, क्लियर। अभी हम क्या बात करेंगे, 10% डिक्रीमेंट। देखो क्या कर सकते हो कि शुरू में आपने माना कि वो 100 था, क्लियर, शुरू में कहता 100 था। अब आपने क्या किया, उसमें से 10% निकाल दिया, तो कितना बचा मेरे पास, 90 बचा। अब इस 90 का 10% फिर डिक्रीज हो गया, इसका 10% आपने फिर डिक्रीज कर दिया, इसका 10% कितना बना, 9, तो ये कितना गया मेरे पास, 81 आ गया। यानी जो वैल्यू 100 थी मेरे पास 81 बची, यानी क्या बोलोगे, 81/100 आ गया, क्लियर। इसी कॉन्सेप्ट पे अगर तीन बार होता तो मैं तीन बार करता, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, बट मैं थोड़े से यूनिक तरीके से बताने वाला, रेशो वाले तरीके से करेंगे सब। देखो सबसे पहले यू मस्ट नो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ परसेंटेज विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन द परसेंटेज इज गिवन टू मींस 10% विच इज इक्वल टू 1/10, इट मींस वी हैव टू प्लॉट अ रेशियो फॉर ओरिजिनल फाइनल वैल्यू। इट मींस अगर हमारी ओरिजिनल वैल्यू स्टूडेंट 10 है, 10 में से एक माइनस करो कितना बचा, 9, क्लियर। सेकेंडली सेकेंड ईयर में भी क्या सेम हो रहा है कि 10 थी वो 9 होगी, इसका मतलब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कब मैं करता हूं ध्यान रखो, जब अलग अलग प्रोडक्ट होंगे आई हैव टू ऐड देम। जब प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं कि सिंगल प्रोडक्ट इतना हुआ, पहले प्रोडक्ट पर 10% का लॉस, दूसरे पे लॉस, बट अगर सिंगल की बात कर रहा हूं तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी 100 था तो कितना होगा, 81। ये मैजिक नहीं है, देखो यहां भी इतना आया था, ये कब यूजफुल आपके पास, जब आपके पास मिक्स फ्रैक्शन दियोगे 16/3% हो गया, 11/9% हो गया, वहां पे निकालना बहुत इजीली हो जाएगा आपके लिए, क्लियर। तो यहां पे 81/100। अब ये देखो क्वेश्चन क्या क्या दिया है, देखो सीसेट यूपीएससी सीसेट 2017, इफ देयर इज अ पॉलिसी दैट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी हैज माइग्रेटेड एवरी ईयर, मतलब उसकी 1/3 पॉपुलेशन हर साल माइग्रेट होगी चली गई from one place to some other place, then the leftover population of the community after the 6th year, कितने साल की बात कर रहे students, वो 6 साल के बाद, बच्चों का बस यही दिमाग चकरा गया, ठीक है। If there is no further growth in the population during this period, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कौन सा पार्ट क्या बचेगा, मतलब आंसर बताना है आपको, क्लियर है। What is the leftover? Leftover कितना पार्ट बचा, 1/3, 1/4, ऐसे करके। देखो सबसे पहले बताओ ओरिजिनल फाइनल, देखो मैंने माना फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन क्या थी, 3 थी, 3/1/3 कितना हुआ, 1, यानी 1 गई तो फाइनल कितनी बची, 2, यानी ऐसे कर लो ओरिजिनल और रिमेनिंग लिख लो इसको, ठीक है, ओरिजिनल रिमेनिंग कर लो। क्या सेकंड ईयर में भी ऐसे हुआ मेरे साथ, यस, 3 थी तो 2, क्योंकि 1/3 हर साल हो रहा है। अच्छा तीसरे साल में क्या हुआ मेरे साथ, 3 था 2 हो गया, 1/3 की जगह वो ये भी कह सकता था 33/1/3%, बोथ आर सेम थिंग, क्लियर, इसका मतलब 1/3 होता है। फोर्थ ईयर की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो 3/2, फिफ्थ ईयर की बात करेंगे 3/2, सिक्स ईयर की बात करेंगे 3/2, यानी 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64, 64 लेफ्ट ओवर है, टोटल कितनी थी, 3 × 9 = 27, 243 × 3 = 729, यानी क्या आंसर आया, 64 out of 729, ऑप्शन नंबर सी वॉज द राइट आंसर, क्लियर। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट छुपे हैं माइक्रो कोर्सेज के अंदर जिनको आपको अपने आप देखना है, क्लियर। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो माइक्रो कोर्सेज के थ्रू आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, मैं आपको फटाफट इसका बताता हूं कैसे। अगर मैं आपसे पूछूं 2015 में 16 में नंबर सिस्टम के कितने क्वेश्चन आए थे, बताना सर, बता पाओगे,
नहीं बता पाओगे, बट अभिमन्यु आई इसके बाद इसका पूरा आंसर 2017 में बता दो, चलो 18 में बता दो, 19 में बता दो, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में बता दो, नहीं बताना, मैं बताता हूँ अभी के भी इसी मंच पर पता चलेगा आपको। चलिए स्टूडेंट देखिए जरा, सबसे पहले क्या करना है, अभी पीडिया ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, देखो क्या प्यारा मतलब लिखा हुआ, देखो स्लिम स्ट्रेटजी, छोटे कोर्सेस बड़े रिजल्ट, तो ये बहुत बहुत यूनिक फीचर है, क्लियर। देखिए साइन अप कर सकते हैं आप, सारे सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट्स यहाँ, वीडियो कोर्सेज हैं, टेस्ट कोर्सेज, और ये मेरे हैं अभी वीडियो माइक्रो कोर्सेज यानी छोटे कोर्सेज, क्लियर। देखो क्या मेरे पास मैथमेटिकल एबिलिटी है, सबसे पहले देखो नंबर सिस्टम, मैंने भी आपसे पूछा 2016 में कितने क्वेश्चन आए, इस आई बटन पे क्लिक करोगे ना पोर्टल पे जाकर, तो देखो ये मिलेगा आपको 2016 में 3 क्वेश्चन आए, 17 में 5, 18 में 6, 19 में 7, 23 में आते आते 17 क्वेश्चन हो गए। तो अगर मैं 332 रुपए में माइक्रो कोर्स लेता हूं तो व्हाट आई विल गेट, व्हाट आई विल गेट, मेरे को क्या मिलेगा, देखो 10 से 11 लेक्चर्स मिल रहे हैं मुझे, क्लियर, 9 वेब नोट्स मिल रहे हैं, 440 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मुझे यहां पे देखने को मिल रहे हैं, क्लियर। इन 11 लेक्चर्स में क्या 216 रुपए के सिर्फ, इनमें मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए नंबर सिस्टम के, उनके सोल्यूशन है, वीडियो सोल्यूशन है, सॉल्व किए हुए, वेब नोट्स में क्या है थ्योरी पार्ट, फॉर्मूले सारा कुछ इसमें, और ये एमसीक्यू स्कैन को टेस्ट की तरह भी दे सकते हो, जब जोड़ोगे तो आपको पता चले, क्लियर। इसी तरीके से जैसे बात करूं आपसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम का जो सेकंड आपका चैप्टर है सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंटेंट करता है, दैट इज अवर कौन सा चैप्टर है, दैट इज अवर परमुटेशन कॉम्बिनेशन। देखो 2023 में 7 क्वेश्चन, 22 में 6 क्वेश्चन, 21 में 3 क्वेश्चन, तो दीज आर सम वैल्यूएबल चैप्टर्स वी हैव, क्लियर। परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस ऐसे ही हर चैप्टर का दिया हुआ है, और एक आई बटन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करोगे ना तो भी लेट यू नो, आपको अच्छे से पता चलेगा कि कौन से चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है, उस कोर्स को ले लो, बाकी छोड़ दो, पूरा कोर्स लेने की जरूरत क्या है, क्लियर। तो माइक्रो लेक्चर मतलब माइक्रो कोर्सेज, छोटे कोर्सेज, क्लियर। तो इसी तरह लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक एबिलिटी के देखो सारा कुछ यहां पे भी आई बटन है सबके ऊपर, क्लियर। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन देखो कितने क्वेश्चन आ रहे, कितने आ रहे इंग्लिश से, देखो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे अभी बताता हूं, देखो 23 में 26 क्वेश्चन, 22 में 27, 21 में 27, तो 25, 26, 27 ये रेशो चल रहा है इन केस ऑफ मेरे किसमें, इंग्लिश में। तो यहां पे एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी दे रखे हैं, क्लियर। तो आप लीजिए और एंजॉय कीजिए, 6 लेक्चर दिए 1000 ग्राउंड क्वेश्चंस और सिर्फ 423 रुपए पूरे एक साल के लिए स्टूडेंट्स, क्लियर। इन द एंड यहां पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल के इंक्वायरी भी जनरेट कर सकते हो, उसे बात करनी हो और कोई स्पेसिफिकली चीज पूछनी हो, कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो यहां पे अपना नंबर डालिए, आप कॉल मी या व्हाट्सएप करेंगे तो डायरेक्टली वो इंक्वायरी मेरे पास आएगी, क्लियर। तो स्टेट नेक्स्ट देखो यहाँ पे कोर्सेज आप देख सकते हैं सारे के सारे, और सिलेक्शंस 22-23 के सिलेक्शंस की बात करूं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सी सेट को भी इतना सीरियसली लिया, जिन्होंने जीएस को जितना जीएस को, बिकॉज इनके पास वो कला थी, बट उस कला को तराशा किसने, अभिमन्यु आईएस ने, ठीक है। तो परख करी इन्होंने कि हम कर सकते हैं, बट कैसे करना है, वन टू वन मेंटरशिप कैसे लेनी, डेडिकेशन कैसे लेनी है, मैंने कहते 25 साल से नंबर वन बने हुए हैं, बट इनके ये शब्द बोल रहे हैं चीख चीख के, पुकार पुकार के कि आओ कर लो, तुम भी आईएएस बनो, हम भी यहां से आईएएस बन के गए, तुम भी आईएएस बन के जाओगे, एक दिन आपकी फोटो भी यहीं पे लगी होगी अगर आप जुड़ोगे हमारे साथ, क्लियर। बट मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता, क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल वाला से वीडियो, और सारे सारे लिंक आपको दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, खासकर माइक्रो कोर्सेज का, क्लियर। थैंक यू।